प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी कर पूरे देश में काले धन वालों की कमर तोड़ दी। समानांतर चल रही काले धन की अर्थव्यवस्था इस कदम से समाप्त होगी। कल सरकार ने काला धन रखने वालों को एक मौका और देते हुए कहा कि जिसके पास भी काला धन है, यदि वो 31 मार्च 2017 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उसे घोषित कर देगा तो उस धन पर 50% पेनाल्टी देनी होगी। बाकी रकम में से 25% तुरंत मिल जाएंगे और बाकी के 25% 4 साल बाद मिलेंगे। इस योजना की घोषणा शुक्रवार को रेवेन्यू सेक्रेटरी हंसमुख अधिया ने की। इस योजना के तहत पैसा जमा करने वालों के नाम गुप्त रखे जाएंगे, साथ ही वेल्थ टैक्स, सिविल कानून और अन्य टैक्स कानूनों से छूट मिलेगी। लेकिन यदि हवाला या बेनामी प्रॉपर्टी का मामला बनता होगा तो कार्यवाही की जाएगी। सरकार की इस योजना से जहां काला धन रखने वाले सामने आएंगे, वहीं गरीब लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एकत्रित हुए पैसों से गरीबों के कल्याण की अनेक योजनाएं चलाई जाएंगी, जिसका सीधा लाभ गरीबों को मिलेगा। सरकार का ये कदम सराहनीय है। जिसके भी पास अगर अभी भी कोई अघोषित आई है और डीमोनेटाइजेशन के वजह से अभी उसको ऑप्शन ही नहीं है उसको बाहर लाने के अलावा कोई, तो उनके लिए एक अंतिम रास्ता मिले उसके लिए सरकार ने एक और एक स्कीम का भी उसमें प्रावधान किया है, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट एंड टैक्सेशन रेजीम फॉर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस योजना में कोई भी व्यक्ति या तो कंपनी, कोई भी एसएससी जो है वो अपनी अघोषित आय का करीब 50% टैक्स सरचार्ज एंड पेनल्टी भर के और उसके बाद 25% अमाउंट डिपॉजिट के रूप में, 4 साल की डिपॉजिट जिसमें बिना इंटरेस्ट बिना कोई सूद के डिपॉजिट रखनी है सरकार के पास 4 साल के लिए, तो वो डिपॉजिट करने के बाद एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के पास और वो अपनी अघोषित आय को डिक्लेयर कर सकते हैं। जब वो ऐसा करेगा तो उसके बाद उसको प्रोसिक्यूशन एंड पेनल्टी की बाकी सब झंझट में से मुक्ति मिल जाएगी। और ये स्कीम की अंतिम अवधि होगी 31 मार्च 2017। ये स्कीम आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के साथ जुड़ी हुई है, मतलब कि इसकी जो धनराशि है, मोस्ट पार्ट ऑफ द धनराशि वो गरीबों के कल्याण में इसमें यूज होगी। तो हम चाहते हैं कि लोग इस योजना में जुड़े और इस काम के माध्यम से वो गरीबों के कल्याण में भी योगदान करें। देश में एक अदृश्य और रहस्यमयी समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही थी, जिसको कोई आदि अंत ढूंढ नहीं सकता था, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन कैश में होता है वो ट्रेसेबल नहीं होता है, और एक से दो, दो से दस, दस से सौ हाथों में चला जाता है। आरबीआई के 28 अक्टूबर 2016 के आंकड़े के अनुसार जो करेंसी इन सर्कुलेशन था वो 17.77 लाख करोड़ रुपए, और 31 मार्च 2016 के रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई कहती है कि इसमें 86% 500 हजार के नोट, अर्थात जो बड़े डिमिनेशन वाले नोट, करीब 15 लाख करोड़ रुपए हमारे देश की अर्थव्यवस्था में 500 हजार के नोट के रूप, इसमें कुछ रुपए लोग ईमानदारी से जिन्होंने कमाया मेहनत मजदूरी करके, नौकरी करके, व्यापार करके, वो भी सम्मिलित है, लेकिन बड़ी तादाद में इस बड़ी करेंसी से काला धन, काले धंधे, काला बाजारी और सबसे बड़ी बात इस पैसे का इस्तेमाल
आतंकवाद, नक्सलवाद और तमाम तरह के आर्थिक अपराधों से लेकर के देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने तक के और लोकतंत्र को खरीदने तक के कामों के लिए, माने नोट के बदले वोट खरीदना, एमएलए और एमपी तक को खरीद लेना, राजनीति का अपराधीकरण इस पैसे के जरिए होता था। आर्थिक अपराध से लेकर के राजनीति के अपराधीकरण और तमाम तरह की रिश्वतखोरी आदि के लिए इन 500 हजार रुपए का नोट का ही प्रयोग होता था। जब मैंने पहले यह प्रस्ताव आदरणीय मनमोहन सिंह जी के सामने रखा कि 500 हजार रुपए के करेंसी को वापस लीजिए, इससे भ्रष्टाचार, काला धन, काले धंधे, आतंकवाद, नक्सलवाद और पाकिस्तान जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में नकली करेंसी घुसा करके देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने का काम करता था और आतंकवादियों को भी उससे पोषण देता था, इस काम पर अंकुश लगेगा। उन्होंने मुझसे कहा ईमानदारी से कि स्वामी जी आपका तर्क तो सही है लेकिन मैं इसको कर नहीं पाऊंगा, एकदम सत्य बात कह रहा हूं आपसे। उसके बाद मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिला, ये उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मैं अरुण जेटली साहब से कई बार इस बारे में कम से कम मेरी 10 मीटिंग हुई होंगी। फिर बीजेपी के टॉप नेताओं से मिला और चुनाव से पहले हमने सभी नेताओं से लिखित में एक संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर कराए, उसमें कालाधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों में एक ये भी मुद्दा था कि बड़ी करेंसी हम वापस लेंगे। आज मुझे संतोष है कि ईमानदार लोगों को गौरव अनुभव हो रहा है कि आजाद भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने एक बहुत बड़ा राजनीतिक साहस दिखाया और बहुत बड़ा एक निर्णय लिया। लोग हमसे प्रश्न पूछते थे काले धन पर सरकार ने क्या किया, तो ये एक ऐतिहासिक जो आपने कार्य किया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो मोदी साहब ने हंस करके मुझसे कहा कि स्वामी जी काम तो हो गया है, अब देश के लोगों को धैर्य के साथ इस काम में सहयोग करना होगा, तभी जा करके ये काम सफल होगा। आर्थिक शुद्धिकरण का, ये आर्थिक शुचिता का एक पर्व जैसा मान करके लोगों को माना कि 2-3 दिन इसमें बड़ी कठिनाई आएगी, हो सकता है सप्ताह भर भी कठिनाई आए, लेकिन आतंकवाद के ऊपर नकेल कसने वाला एक काम है। क्योंकि आतंकवादियों को जो फंडिंग हो रही थी वो चेक और ड्राफ्ट से नहीं होती है साहब, क्योंकि चेक और ड्राफ्ट जो देगा और जो अल्टीमेट उसका यूजर है वो सब ट्रेसेबल हो जाता है जब आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन से कोई आर्थिक व्यवहार करते हो। आतंकवादियों की सारी फंडिंग, नक्सलवादियों की सारी फंडिंग और अलग अलग समय जो अलग अलग सर्वे किए गए उसमें माना गया औसत करीब 10% से लेकर के कभी कभी तो 20% तक भी हमारी करेंसी में ये जो पाकिस्तान के द्वारा जाली नोट, नकली करेंसी ये उसके अंदर सम्मिलित पाई गई। क्योंकि जहां से हमारे देश की स्याही आती थी, पेपर आते थे और मशीन आती थी, वहीं से पाकिस्तान भी खरीदता था और नकली करेंसी छापता था। मोदी जी ने यह जो निर्णय लिया है इसका सभी क्षेत्रों में बहुत व्यापक प्रभाव होने वाला और सकारात्मक प्रभाव होने वाला है। अभी यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं, जिन लोगों ने तिजोरियां भर रखी थी पॉलिटिकल फंडिंग के नाम पर, उस नोट के बदले वोट खरीदते थे, कुछ लोग दारू और तमाम तरह की खरीद फरोख्त करते थे, उन पर नकेल लगेगी। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था का काला धन एक बार पूरा शुद्ध हो जाएगा। बाद में 500 और 2000 रुपए के नोट जो प्रचलन में आएंगे
मैंने तो उसके लिए भी गुजारिश की, आदरणीय जेटली साहब को भी मैंने फोन करके बधाई दी, आदरणीय अमित जी, गडकरी साहब, जिनके साथ में मेरा पिछले एक 10-15 साल से एक लंबा एसोसिएशन था कि देश की आर्थिक सुचिता के लिए, आर्थिक पारदर्शिता के लिए, इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी के लिए, आर्थिक जवाबदेही के लिए यह काम होना चाहिए। आगे 500 और 2000 के नोट ज्यादा ना छापे जाए, क्योंकि दोबारा फिर यही धंधा शुरू ना हो, इसके लिए। और यदि आगे वो करेंसी, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है, तो वो करेंसी किसी भी तरह से यदि ट्रेसेबल हो सके, जैसे चेक और ड्राफ्ट से जो भी हम आर्थिक लेनदेन करते हैं वो ट्रेसेबल होता है, क्योंकि किससे लिया, किसको दिया, उसका अल्टीमेट यूजर कौन है, वहां तक उसको ट्रेस कर सकते हैं, ऐसे ही जो नोट भी छपे वो ट्रेसेबल हो, तो जो ईमानदारी से पैसा कमा रहा उसको दिक्कत क्या है। ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तो मुझे लगता है ये देश के लिए एक बहुत बड़ा काम मोदी ने जी ने किया है। मोदी जी FDI के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए पूरी दुनिया में घूमे, मुझे नहीं पता अभी तक कितना लाख करोड़ रुपए आया। जिनके पास ईमानदारी का पैसा है वो जाकर के डिक्लेयर कर दे ये मेरा पैसा है उनको, और बैंक से ट्रांजेक्शन शुरू करें। जिन लोगों के पास में टैक्स चोरी का पैसा है उनके लिए शायद सरकार कोई स्कीम लाएगी, और जिन लोगों ने तिजोरियां भर रखी हैं घोटाले कर करके, उनका तो ये पैसा पेपर हो जाना ही बेहतर है, उनके लिए तो कोई भी स्कीम क्यों लेकर के आए। और मैं ये मानता हूं कि इससे अब ब्याज दरें भी कम होनी शुरू होंगी, क्योंकि अभी तो बैंकों में पैसा ही कम होता था, बैंक भी बहुत डेफिसिट में चल रहे थे, हमारा बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग होगा। हाँ, जिन लोगों ने NPA घोषित किए हुए हैं उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और बैंकिंग सिस्टम हमारा जितना सुदृढ़ होगा, जैसे आज यूरोप, UK, USA, जापान आदि देश हैं, वहाँ मैक्सिमम ट्रांजेक्शन बैंकिंग सिस्टम से होता है, और बैंकों की अब जवाबदेही बढ़ेगी, उसको और सुदृढ़ीकरण उसका करना पड़ेगा, लोगों को टेक्निकल ट्रांजेक्शन्स और बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर थोड़ा ज़्यादा जाना पड़ेगा, कुछ नए रोजगार जनरेट होंगे, कुछ थोड़े जो पुराने जो परंपरागत तरीके थे वो कुछ बदलेंगे। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि इससे जो बार्टर सिस्टम है वो दोबारा चालू हो जाएगा, ऐसा कुछ चालू होने वाला नहीं है। कुछ लोगों को यह आशंका है कि हमारी मेहनत की कमाई का पैसा वो कहीं बेकार तो नहीं हो जाएगा, किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये काम हिंदुस्तान के इतिहास में जब पहली बार इस कार्य को आंशिक रूप से मोरारजी देसाई जी ने किया था, तब उस समय पैसा बहुत थोड़ा था देश में, लेकिन आज जब मोदी साहब ने किया है तो अमाउंट बहुत बड़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्य धैर्यपूर्वक देश में पूरा होना चाहिए। देश में भी अच्छा वातावरण बन रहा है, और मोदी जी अब एक विश्व के ताकतवर नेता के रूप में उभरे हैं, और अब ऐसे ही इनको करोड़ों लोगों का और आशीर्वाद मिलेगा, दुआएं मिलेंगी, और मोदी जी के नेतृत्व में कुछ बड़े और कार्य राष्ट्र निर्माण के होने हैं, क्योंकि ये वोट बैंक बनाने वाला काम मोदी जी ने नहीं किया है, ये देश बनाने वाला काम किया है। देखिए, न छापने से तो बात नहीं बनेगी, छोटे नोट ज्यादा छपें, बड़े नोट कम से कम छपें,
बैंकिंग ट्रांजेक्शन मजबूत हो। मोदी जी ने चरणबद्ध तरीके से इस कार्य को किया। पहला काम यह किया कि करोड़ों लोगों के बैंक खाते खुलवाए, जो कि आज तक इतिहास में नहीं हुआ, वो करके दिखाया। दूसरा काम, लोगों को मौका दिया कि भाई आपके पास काला धन तो आज जमा करा दीजिए। अब तीसरा काम यह किया है कि भाई देखो आप ये आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए मोदी। अब इससे थोड़ा फायदा सेठ साहूकारों के नौकरों को भी जरूर होने वाला है, उनके भी बैंकों में 5-10 लाख रुपए जरूर आ जाएंगे, क्योंकि सेठ के पास जब ज्यादा पैसा होगा तो नौकरों को दे देगा, नौकर जाकर के बैंक में जमा कर देगा, तो वो भी नौकर मोदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने लाखों रुपए कभी देखे नहीं थे उनके बैंकों में भी आने वाले। इसलिए गरीबों का भला मोदी जी ने कर दिया है और इसका परिणाम देखने को मिलेगा। देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था का काला धन इस एक स्टेप से खत्म होगा। देश के जो बाहर काला धन गया है उसके ऊपर भी मोदी जी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हमने आपसे एक ही बात कही थी कि मोदी जी ने कहा मैं काला धन पाई पाई देश को दिलाऊंगा, और उस दिशा में जो इन्होंने यह निर्णय लिया है ये काबिले तारीफ है, ऐतिहासिक है, देश हित में है, और इसका दूरगामी प्रभाव भारत को परम वैभवशाली बनाने वाला और आर्थिक पारदर्शिता लाने वाला। अरे 10,000 तो मना कर दिया, 10,000 का आरबीआई का प्रस्ताव था, अब एक नया विकल्प निकाला है और इससे देश की अर्थव्यवस्था का शुद्धिकरण का मार्ग निकला। आगे दूसरे स्टेप्स जो आएंगे उससे तकनीकी तौर पर जो जो चीजें हैं जितनी संभव होंगी, मैंने तो कहा ना कि 500 और 2000 का नोट है उसके अंदर कुछ ऐसा चिप लगा दीजिए जिससे कि जहां भी वो पड़ा हुआ है उसको ट्रेस किया जा सके, तो ये काले खजानों में, कुबेरों के खजानों में ये ब्लैक मनी भी नहीं होगा और ब्लैक मनी भी नहीं होगा। ब्लॉक मनी और ब्लैक मनी दोनों बड़ी समस्या। जिनके पास में अनअकाउंटेड मनी है, किसी के पास 5 करोड़, किसी के पास 10 करोड़, किसी के पास 50 करोड़, सोचेंगे अरे इस पैसे को पूरा एक कागज बनने से अच्छा है नौकरों को भी कुछ बांट दिया जाए, कुछ लोगों की दुआएं लग जाएंगी। तो ममता जी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं इससे गरीबों के खातों में लाखों नहीं, पूरे हिंदुस्तान का आप देखेंगे तो कई लाख करोड़ रुपए, माने एक एक गरीब के खाते में 5-10 लाख रुपए से लेकर के 15-20 लाख रुपए भी जमा होंगे। कोई एग्रीकल्चर के नाम से, कोई नौकरी के नाम से जमा कराएगा और गरीबों के खाते में भी पैसा डल जाएगा। लोग पूछते थे मोदी जी 15 लाख कब आएंगे, 15 लाख तो हिंदुस्तान से आए। राहुल गांधी जी को मनमोहन सिंह जी से पूछ लेना चाहिए, उन्होंने भी जब मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा था तब ये माना था कि स्वामी जी इस काम से आर्थिक पारदर्शिता आ सकती है, लेकिन अभी मैं इस बड़े निर्णय को लेने में हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। मैंने राहुल गांधी जी के सामने भी ये प्रस्ताव रखा था बड़े नोट वाला, तो उन्होंने भी गर्दन तो हामी ही हिलाई थी। अब हमारे यहाँ जो सत्ता में नहीं होती पार्टी उसको नाम ही अपोजिशन दे दिया जाता है। अब अपोजिशन वाले थोड़ा अपोज ना करें तो उनके नाम पर कलंक लग जाता है। जिन लोगों के काले खजाने पर खतरा मंडरा रहा है उनको मोदी जी का ये फरमान तुगलकी नजर आ रहा है। अब देश के सामने ये भी तस्वीर आएगी कौन कितने पानी में है। जो विरोध कर रहा है इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली है। क्यों कर रहा है भाई विरोध, जब ईमानदारी का किसी के पास पैसा, कोई कहता है शादी विवाह के लिए पैसा रखा था, जमीन खरीदने के लिए पैसा रखा था, मेहनत मजदूरी का पैसा रखा था, खेती का पैसा रखा था, किसी ने गेहूं चावल सरसों बेची उसका पैसा रखा था, भाई आप जमा करा दो ना, मना कौन कर रहा है। सरकार ने तो जमा करने की लिमिट भी नहीं रखी है, 10-20 लाख से लेकर 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जमा कराओ। उनको डर लगता है तो किसी और से मदद ले ले, डायरेक्ट जमा कराने में किसी को डर लगता है। अरे आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, अब ये 1.5 महीने का समय तो बहुत होता है, मंदिरों की मंदी खत्म होने वाली है, मंदिरों में बाबाओं के पास, धर्मशालाओं में और
गौशालाओं में बहुत ज्यादा टोटा पड़ा हुआ था। तो मैं तो इन सेठ लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जितना काला धन है सब गौशाला में दे दो, गायें भी बेचारी खुशहाल हो जाएंगी और तुम्हारे ऐसे पेपर होने से बच जाएंगे। तो जो खास करके धार्मिक स्थान है वहाँ पर आवक बढ़ेगी ये निश्चित बात है, लेकिन फिर वो आवक भी चैनलाइज हो जाएगी और गौशालाएँ हैं, ट्रस्ट हैं, जो भी सोसाइटी के लिए अच्छे काम कर रहे हैं उन लोगों को भी सहारा मिल